हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रगड़ा भेल कैसे बनाई जाती है। यह हमारी ठेला गाड़ी है, जिसको हाथ गाड़ी कहा जाता है। ये स्टील की बनी हुई है और ये हम गार्डन पे लगाते हैं। ये देखिए, इसमें पानी पूरी, मुरमुरा जिसको परमल भी कहते हैं, बारीक सेव ख़त्म हो गई लगभग, और ये भेल कचौरी ये भी ख़त्म हो गई है। तो ये हमारी गाड़ी है जो गार्डन पर लगती है। ये हमारा काउंटर है जिसमें हम माल भर के लाते हैं। इसमें पानी पूरी वगैरह हम भर के लाते हैं। ये शाम का टाइम है, हम ग्राहकी से पूरी तरीके से निपट चुके हैं। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये दोने वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, प्लेटें धुली हुई पड़ी हुई। बस हमारा घर जाने का अब जो है समय हो गया है, टाइम हो गया है, हम घर जाएँगे। ये वीडियो जो है मैं शाम के टाइम बना रहा हूँ। ये अंकल हमारे जो है ये दही चटनी की पानी पूरी बना रहे हैं, जिसको दही पूरी भी कहा जाता है। ये रगड़ा ख़त्म हो गया है, ये इमली की चटनी है, ये दही है, ये भी लगभग एंड है, ख़त्म हो गया है। अब हम ये देखिए आपको भेल बना के बताएंगे रगड़ा भेल कैसे बनती है। ये हम जो है मुरमुरा ले लिया है दोस्तों, हमने मुरमुरा ले लिया है। इस मुरमुरे को इसमें डालेंगे हम, ठीक है। ये मुरमुरे हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें हम ये काला नमक डालेंगे, एक चुटकी काला नमक डालेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। ये मसाला आ गया, ये वाइट नमक, सफ़ेद नमक आ गया। अब इसमें थोड़े से प्याज डालेंगे, ये थोड़े से प्याज आ गए। अभी अंकल काट रहे हैं प्याज, वो प्याज भी हम डालेंगे इसमें। थोड़ा इसमें आलू डलता है, रगड़ा डलता है, ये आलू का मसाला है जो हम पानी पूरी में खिलाते हैं, वो मसाला हम डाल रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी हरी चटनी है, और ये हम रगड़ा थोड़ा सा बचा है, ये रगड़ा भी इसमें डालेंगे। ऊपर से भी रगड़ा दोस्तों इसमें गिरता है, लेकिन अभी हम अंदर इसमें डाल रहे हैं रगड़ा, मसाला तैयार करने के लिए हमने बना लिया है। ये अंकल ने प्याज काट ली है, इसमें प्याज और ऐड कर देंगे हम। ये देखिए, प्याज ऐड करने के बाद इसको एक जो है हम बाउल में रखेंगे, डिस्पोजल में रखेंगे। ये थोड़ी चटनी डालेंगे इसमें, इमली की चटनी डलेगी दोस्तों इसमें। इमली की चटनी में हमें ध्यान रखना है, इसमें जो है खट्टापन थोड़ा कम होता है और मीठापन ज़्यादा होता है। जो भेल की चटनी होती है इसमें इमली की खटाई थोड़ी कम होती है, मीठा ज़्यादा होता है। देखिए तैयार हो गई है, इसको चम्मच से हिला के हम अच्छे से हिला देंगे ताकि सभी परमल में अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, हमने डिस्पोजल में इसको रख दी है। अब इसको ऊपर से इमली चटनी और डाली जाएगी इसमें, इमली की चटनी जो है हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा दही डालेंगे इसमें, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाए। और इसमें हम ऊपर से रगड़ा डालेंगे, ये रगड़ा डाल दिया है। अब इसमें बारीक सेव आएगी, खमंड सेव जिसको कहा जाता है, बारीक वाली सेव, वो हम डालेंगे। इसको बोला जाता है दोस्तों रगड़ा भेल, हमारे यहाँ इसको रगड़ा भेल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।